गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह, सीबीएसई क्लास टेंथ के साइंस के एग्ज़ाम जो कि आपके 2024 में होने वाले हैं उनके लिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये चैप्टर वन दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है, जिन्हें सॉल्व कर आप अपने एग्ज़ाम को और बेहतर कर सकते हैं। आज बच्चों की कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से संबंधित है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज वेरी हाईली स्कोरिंग टॉपिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और कुछ बेहतर सवालों को सॉल्व कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई 2024। सीबीएसई के एग्जाम हैं उन जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज वेरी स्कोरिंग, सो बी अटेंटिव। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम इस तरह से दे रहे हैं आपको कि स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन दैट इज दिस इज वन, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, इक्वेशन क्या है? ये बच्चों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से सवाल है और ये हाईली स्कोरिंग टॉपिक है आपके चैप्टर का, सो बी अटेंटिव। जो रिएक्शन है वो है ए, दैट इज ए इज ए प्लस बी सी गिव्स व्हाट, गिव्स ए सी प्लस बी। सेकंड इज दिस इज इक्वेशन और इसके टाइप को आपको बताना है किस तरह के टाइप का रिएक्शन है। सेकंड इज ए प्लस बी गिव्स ए बी, इसके भी टाइप्स को बताना है। ए प्लस बी गिव्स ए बी और ए प्लस बी गिव्स सी, ए न्यू कंपाउंड। थर्ड इज सी दैट इज पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू पी आर एस प्लस आर, इससे बन रहा है आपका पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस प्लस आर पी एस, दैट इज पी एस प्लस आर क्यू। थर्ड इज, तो इसके टाइप्स को बताने हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ए और बी प्लस सी ये किस तरह के रिएक्शन में देखते हैं। जैसे वी हैव स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखा है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ए, हियर ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी। ओके, तो यहाँ बच्चों ए के जगह पर अगर हम सपोज वी टेक जेड एन, बी सी बी के जगह पर सी यू और सी के जगह पर एस ओ फोर, देन दिस गिव्स ए और सी, मतलब जेड एन और एस ओ फोर। ए के जगह पर जेड एन है और वट सी के जगह पर एस ओ फोर है। तो हियर इज ए सी, दिस इज जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? हियर हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, high reactive is Zn which is placed above hydrogen in your activity series and this is reactive than copper so it displaces copper from copper sulfate solution. So similar type of arrangement is here, ye usi tarah ke type ka arrangement hai. To ye kaun sa reaction ho gaya? This you can say displacement reaction, this is displacement reaction, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ओके, अब यहां पर दिस इज द फर्स्ट
क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। फिर ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ए, व्हाट इज ए? ए हमने, ए के जगह पर हमने क्या रखा, इसके जगह पर जिंक, ओके। एंड बी सी के जगह पर हमने रखा सी यू कॉपर सल्फेट। व्हाट हैपेंस हियर? हियर जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर इन एक्टिविटी। ये ज्यादा रिएक्टिव है जिंक कॉपर के तुलना में, तो क्या हो जाता है जेड एन। और सी के जगह पर क्या है एसओ फोर। दिस एसओ फोर इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ सी। तो जेड एन एसओ फोर और प्लस सी यू, मतलब जेड एन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अनदर वी हैव, दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है बी। बी इज व्हाट? बी है आपका ए प्लस बी गिव्स अनदर कंपाउंड सी। लेट अस कंसीडर ए एज सी, बी एज ओ टू। सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, कैसा लग रहा है ये रिएक्शन? तो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ओके, मीन्स दोनों दो मिल के एक नया बना रहा है, ओके और इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से भिन्न है। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है आपका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन यू हैव। नेक्स्ट इज पी क्यू प्लस आर एस गिव्स सी में। पी क्यू प्लस आर एस गिव्स पी एस प्लस आर क्यू। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? पी क्यू मीन्स पी क्यू से क्या हो गया, पी क्यू हैज टेकन द प्लेस ऑफ एस एंड आर, क्यू के क्यू एंड आर ये दोनों इससे कंबाइन होगा, तो क्या हो गया एक नया कंपाउंड, दोनों जगह एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जाम्पल किस तरह के रिएक्शन का है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसके आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज डबल, उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हम इस पर कुछ सवाल भी आगे बनाएंगे। ये एग्जांपल हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इज, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज वेरी वेरी स्कोरिंग फॉर फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन टू, सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड ये क्वेश्चन है व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट आर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Give one example of each. Give one example of each of, मतलब कि प्रत्येक में से आप एक एक example देंगे। तो बच्चों we have to give examples. What are, पहले decomposition reaction क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ए रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड स्प्लिट टू गिव टू और मोर सिंपलर कंपाउंड। एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होके टू और मोर सिंपलर कंपाउंड देता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन।
फर्स्ट आस्किंग योर डिफिनेशन, आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के हिसाब से आप जवाब देंगे। फर्स्ट आस्किंग व्हाट इज व्हाट आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं और प्रत्येक टाइप में से आपको एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है। वी हैव यू हैव टू शो दैट इज अ रिएक्शन, रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड रिएक्शन विच सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स टू गिव टू और मोर सिंपलर कंपाउंड स्प्लिट्स टू गिव टू और मोर सिंपलर कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपलर कंपाउंड देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस टू और मोर, यू कैन राइट सब्सटेंस आल्सो, सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ईच टाइप में अगर बात कीजिएगा तो ईच टाइप ऑफ रिएक्शन में एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो जैसे कि एक थर्मल ईच ऑफ पहले आपको देना है, फर्स्ट इज ए योर थर्मल डिकम्पोजिशन इसका एक एग्जांपल प्रस्तुत करना है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड सी इज व्हाट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो मीन्स लाइट, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। योर क्वेश्चन पैटर्न इज लाइक दिस कि पहले तो आपको पूछेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफिनेशंस को लिखने हैं। देन अनदर इज आपको देना है जवाब एक थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में थोड़ा बताइए, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में, एंड थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बताइए। तो ये तीनों के बारे में बताना है। तो फर्स्ट यू हैव थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ए थर्मल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें ए दैट इज यू हैव थर्मल डिकम्पोजिशन, फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स हुआ डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बाय हीट, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हीट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ओके दिस यू हीट, हीट का साइन ऐसे दे सकते हैं और यू कैन राइट एज हीट। तो कार्बोनेट जो भी होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यहाँ पर CO3 लगा हो
अगर हीट कर रहे हैं आप तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जरूर बना दीजिए। आप प्लस CO2, यहां से दो ऑक्सीजन निकल गया है और कार्बन निकल गया, बचा एक ऑक्सीजन, देन दिस इज मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह से कोई भी कार्बोनेट को लेंगे आप, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी हीट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, आपको बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो तो ये किस तरह के रिएक्शन का एग्जांपल है, थर्मल। थर्मल मीन्स द वर्ड थर्म मीन्स होता है हीट, हीट से आपको डिकम्पोज करना है। तो भी हमने यहाँ पर हीट से डिकम्पोज किया, क्वेश्चन में ओनली कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल, केवल एक एग्जांपल देने हैं, हमने दो एग्जांपल को समझाने के लिए बताया। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना है, दैट इज डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड कम्स बी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। बी इज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के एब्जॉर्प्शन से जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ लिक्विड, यू ऑल नो, एट रूम टेम्परेचर। इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसमें हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं। दिस अंडरगो डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपने फिजिकल स्टेट में गैस हैं एट रूम टेम्परेचर। दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नाउ आप इसको बैलेंस कर दीजिए, टू, हियर यू पुट टू, टू वॉल्यूम हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम ऑक्सीजन। अगर इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे तो 2:1 होता है, हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम में, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम में। तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कि इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन को बोले इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है बच्चों लाइट, फोटो का अर्थ है लाइट। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक का अर्थ हो गया लाइट से डिकम्पोजिशन। सी इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सी हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है इसको भी थोड़ा हम समझें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्सॉर्प्शन
ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट के एब्जॉर्प्शन से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है दिस इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे सिल्वर क्लोराइड इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाता है सिल्वर प्लस Cl2। दिस इज सिल्वर इज ग्रे कलर, दिस सिल्वर यू विल, और ये क्रिस्टलाइन व्हाइट सब्सटेंस है। तो लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में बदल गया एंड दिस इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी ये इन्वॉल्व होता है फोटोलिटिक रिएक्शन। नाउ ऑल्सो अदर एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, यू हैव लिसन द नेम ऑफ H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्प्लिट कर जाता है, तो स्प्लिट करता है ये वाटर में और प्लस ऑक्सीजन में, वाटर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड स्प्लिट्स इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो बच्चों फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में सबसे बड़ी बात है कि लाइट से ये कंपाउंड जो है अपने नेचर को खो देते हैं, दे लूज देयर नेचर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग स्टोर करते हैं तो कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। दिस सब्सटेंस विच अंडरगो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आर स्टोर्ड इन कलर्ड बोटल्स, ओके, कलर्ड बोटल में ये स्टोर होते हैं सो दैट लाइट कैन नॉट स्प्लिट दिस कंपाउंड इन टू देयर कंपोनेंट्स। तो ये था हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केवल वैसे क्वेश्चन को ही टच किया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो एंड सो बी अटेंटिव टूअर्ड्स द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के प्रति पूरे एकदम ध्यान से एकाग्रता से बने रहें हमारे साथ। अनदर क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन इज राइट टू ऑब्जर्वेशन, राइट टू ऑब्जर्वेशन राइट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट, व्हेन लेड, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन, इज हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। दो ऑब्जर्वेशन को बताइए जो आप पाते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है, तो गर्म करना मीन्स वी आर, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। दैट इज ए, यू हैव टू नेम, फर्स्ट इज राइट टू ऑब्जर्वेशन, इसमें दो ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद क्या होता है। सेकंड इज नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का क्या टाइप है। थर्ड इज राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन, केमिकल राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। अबव ऊपर जो रिएक्शन है उसके लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन का जो पहला पहलू है वो कह रहा है कि दो ऑब्जर्वेशन लिखिए, दो ऑब्जर्वेशन, टू ऑब्जर्वेशन। कब? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है किसी टेस्ट ट्यूब में। तो हमारा ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? लेड नाइट्रेट एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इस सवाल का जवाब फर्स्ट इज, इसका जवाब दे रहे हैं राइट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले चीज कि लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन फ्यूम के रूप में निकलता है, NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आंसर है अ ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर एवॉल्व्ड। आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? NO2। आर इवॉल्व्ड, ये बाहर निकल के आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंड, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन यू हैव। तो सिंपली ये हीट हो रहा है बिकॉज लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब। जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करेंगे तो इट विल डिकम्पोज, तो डिकम्पोज टू गिव व्हाट? ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, एंड सेकेंड इज नेम द टाइप। तो हीट करके कोई चीज ज्यादा प्राप्त करते हैं हम लोग, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ओके, अब थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे भी कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। आपको अब थर्ड में लिखना है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। टू हियर, यहां पर टू होगा, सॉरी, टू रिप्रेजेंट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ये लिखना है। तो थर्ड में आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। दिस इज लेड, लेड को पीबी, पीबी का वैलेंसी यहां दो है और दिस इज लेड नाइट्रेट। पीबी एनओ थ्री होल ट्वाइस इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट। अब ये सॉलिड है, इसको आप गर्म करते हैं, हीट इज सप्लाइड हियर, हीट सप्लाइड हुआ तो एक ब्राउन फ्यूम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम जो कि गैसियस स्टेट है, और नाइट्रेट गर्म हो रहा है, दैट इज लेड ऑक्साइड विल फॉर्म हियर एंड प्लस यू विल गेट ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए, लेड यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन बिकॉज हियर यू पुट टू टू, देन टू टू जा फोर नाइट्रोजन, देन हियर यू पुट फोर एंड दिस इज ऑक्सीजन गैस। फोर टू जा एट टू टेन टू ट्वेल्व, थ्री टू जा सिक्स टू ट्वेल्व, ट्वेल्व ऑक्सीजन इस साइड भी है, ट्वेल्व। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन फ्यूम के रूप में निकलता है, दिस इज ब्राउन फ्यूम। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ टू द क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री का ये कंप्लीट आंसर 1, 2, 3 यहां प्रोवाइड कराया गया। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, फोर्थ क्वेश्चन इज 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन ए चाइना डिश, इज टेकन इन अ चाइना डिश। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को आप चाइना डिश में लेते हैं एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट एंड ये डिश को कहां रख देते हैं एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट, प्लेस्ड इन सनलाइट और इस चाइना डिश को सनलाइट में प्लेस किया जाता है फॉर सम टाइम, फॉर सम, फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम ओके, व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन आप प्राप्त करेंगे, ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, इन दिस केस राइट द केमिकल रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्म of a balanced chemical equation, of a balanced chemical equation, balanced chemical equation के रूप में इसको देखें लिखे। तो नाउ बच्चों 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यू नो क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड, 2 ग्राम लेते तो 2 ग्राम दिस इज सपोज 2 ग्राम इसमें सिल्वर क्लोराइड है 2 ग्राम AgCl ओके, इसको ले करके क्या करते हैं चाइना डिश में लेते हैं, चाइना डिश में लेकर के इसको प्लेस करते हैं सनलाइट में फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उसके लिए केमिकल रिएक्शन दीजिए। तो सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था इसका आंसर है फर्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड विल टर्न, जैसे AgCl है एंड व्हेन यू प्लेस दिस इन लाइट that is sunlight, then it will split into silver plus chlorine. Now, for 2 you balance this equation. Light के साथ decomposition हो रहा है, ये white solid substance है, white solid, और ये change कर जाएगा आपको grey color में. This is what here happens. और chlorine gas आपको मिलेगा यहाँ पर. This is solid, this is also solid. तो सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट सॉलिड का वो टर्न कर जाएगा ग्रे कलर में, द गैस गोज आउट, ये गैस बाहर निकल जाते हैं लीविंग बिहाइंड अ ग्रे रेसिड्यू, आप ये गैस बाहर निकल जाएगा और उसके साथ आपको सिल्वर का ये ग्रे रेसिड्यू आपको प्राप्त होगा। द इक्वेशन इज लाइक दिस ओके, ये इक्वेशन है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अब हम लोग क्वेश्चन, दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी 4 क्वेश्चन, नाउ 5th क्वेश्चन इज
ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन हीटिंग हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू, कॉपर टू नाइट्रेट, नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब मीन्स ब्लू कलर्ड कॉपर पाउडर, कॉपर टू मतलब कि कॉपर का यहाँ वैलेंसी टू हो रहा है, मैंने बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड कैसा दिखाई देगा, ब्लैक ऑक्सीजन एंड ए ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड एंड अ ब्राउन गैस गैस एक्स इज फॉर्म्ड, इसमें एक ब्राउन गैस एक्स बनता है, ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। तो इसका क्या करता है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, फर्स्ट यू हैव टू राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दीजिए। जैसे क्या होगा, तो पहला बच्चों यहां बोल रहा है हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर्ड कॉपर टू, कॉपर टू सॉल्ट्स जो होते हैं ब्लू ही होते हैं, टू नाइट्रेट मीन्स यहाँ कॉपर हैज टू वैलेंसी, एंड इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप इस तरह से कॉपर टू नाइट्रेट, और इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो व्हाट वी गेट, कह रहा है इसमें कॉपर ऑक्साइड आपको प्राप्त हो रहा है, CuO, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, प्लस व्हाट यू गेट, ऑक्सीजन गैस आप मिल रहा है, प्लस अदर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ सिमिलरली जैसे लेड नाइट्रेट को बैलेंस किए थे उसी तरह से आप इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 एंड हियर 4 NO2। तो यहाँ बच्चों ब्राउन गैस एक्स इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो एक्स मिला तो वो गैस क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका तो हमने बैलेंस इक्वेशन लिख दिया। और सेकंड कह रहा है आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, क्वेश्चन बी कह रहा है इसमें आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, ब्राउन गैस एक्स, तो एक्स के जगह पर कौन सा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ब्राउन गैस एक्स इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखना है आपको, ब्राउन गैस एक्स इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको बताना है कि किस तरह का रिएक्शन है, सी इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये बच्चों किस तरह का रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, आप बता सकते हैं हीट से है, तो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन है, लेकिन हीट से हो रहा है तो यू कैन राइट थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट से होने के कारण इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब सी इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस,
अगर ब्लू कलर्ड कॉपर नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब में गर्म करते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस। तो पहला हमें लिखना था इसके लिए एक संतुलित बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि यहाँ हमने आपको समझाया। सेकेंड, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, ब्राउन गैस एक्स क्या है, ब्राउन गैस एक्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। एंड थर्ड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो किस तरह का है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और खासकर हीट से डिकम्पोज हो रहा है इसलिए इसका नाम हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ डी ऑप्शन, डी क्या कह रहा है कि इसको अगर डी इज व्हाट कुड बी द पीएच चेंज, डी कह रहा है इसमें, डी व्हाट कुड बी द पीएच चेंज, कुड बी द पीएच चेंज, इसमें पीएच चेंज क्या होगा, थोड़ा बड़ा, व्हाट कुड बी द पीएच चेंज, पीएच रेंज, सॉरी नॉट चेंज, पीएच, इसके पीएच रेंज क्या होंगे ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स, जो गैस एक्स दैट इज ब्राउन गैस निकला उसके एक्वस सॉल्यूशन का पीएच रेंज क्या होगा। तो बच्चों ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप देखिए नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, तो जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे। सिंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, इसका आंसर क्या है, सिंस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, इज एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये ऑक्साइड है आपका नॉन मेटल का, सो इट इज एसिडिक इन नेचर, सो इट इज, सो इट्स, इसके इट्स, सो इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, एसिड होगा तो क्या होगा, इसका पीएच रेंज इज लेस देन 7, 7 से बिलो होगा, सो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन व्हाट 7, पीएच जो होगा सॉल्यूशन का क्या होगा, 7 से कम होगा। ओके अच्छा, अब बच्चों एक सवाल और है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज ये जो हम आपको बता रहे हैं, दिस इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज हाईली स्कोरिंग, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है ये आपके ये चैप्टर से, इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, इसको बेहतर ढंग से इस चीज का तैयारी करें आप। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, ए साइनी ब्राउन कलर्ड, ए साइनी ब्राउन colored element, एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, becomes
ब्लैक। एयर में हीट करने पर ये क्या हो जाता है, ब्लैक इन कलर। ये कलर में कैसा हो जाता है, ब्लैक। तो इसमें पूछ रहा है कि नेम द एलिमेंट एक्स, नेम द एलिमेंट एक्स, एक्स वाले एक्स एलिमेंट का नाम बताइए, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म, और किस तरह का ये कंपाउंड बन रहा है। एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स है जिसको गर्म करते हैं एयर में, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, बिकम्स ब्लैक इन कलर, और उससे रिएक्ट करके वो ब्लैक कलर में हो जाता है। तो उस एलिमेंट एक्स का कौन सा एलिमेंट है और जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बना वो कौन सा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले ये देखिए बच्चों, साइनी ब्राउन, साइनी ब्राउन एलिमेंट किधर देख रहे हैं, घर में आप देखेंगे तो कॉपर, कॉपर एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज द एलिमेंट एक्स इज कॉपर, द एलिमेंट एक्स इज कॉपर। एलिमेंट एक्स क्या है, कॉपर है, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, ब्लैक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, ये ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या हो जाएगा, पहले तो एलिमेंट एक्स इज ए कॉपर, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर टू ऑक्साइड, इज कॉपर, कॉपर टू ऑक्साइड। यहां कॉपर की वैलेंसी टू है, कॉपर टू ऑक्साइड, ऑल्सो नोन एज क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड, और यू कैन से क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ओके, अब इसका रिएक्शन जो है इस तरह से है, कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बन क्या रहा है, दिस इज CuO, दिस इज योर क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये कैसा रहेगा, ब्लैक कलर में। एंड नाउ बैलेंस मॉलिकुलर ऑक्सीजन हियर टू, पुट टू हियर, दिस इज, और यही आपका ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है, ये ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, नीचे स्पेस नहीं था इसलिए यहां पर लिख दिया, और दिस इज एलिमेंट एक्स, ये क्या है, दिस इज एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स क्या हो गया, एलिमेंट एक्स इज योर कॉपर, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो बच्चों ये जो चैप्टर, चैप्टर वन, हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग पढ़ रहे हैं, विच विल, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, और वो CBSE 20 क्लास इन द ईयर 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे सोच विचार से प्रैक्टिस करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो बच्चों इनको ध्यान से तैयारी करेंगे। अब इसी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से फिर हम एक और वीडियोस आपके लिए लाएंगे, और दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब तक के लिए हम आपको कहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड देन थैंक यू आपको।